हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। धर्मवीर सिंह आप सो रहे हैं, बेखबर होकर सो रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि कल सुबह होते ही आपकी फांसी होने वाली है और आप बेखबर होकर सो रहे हैं। सिपाही, मैं निर्दोष हूं और मेरी फांसी, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि बंगले पर मौजूद था, शमशीर बंगले पे थी और मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराया और उस शमशीर से किसने मर्डर किया, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं और निर्दोष मारा जा रहा हूं। यही बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि आपकी शमशीर जब बंगले में थी तो आपकी शमशीर से राजकुमारी का खून किसने कर दिया। ऐसा लगता है कि इसमें किसी की चाल है जो आपको फंसाना चाहता है। हाँ, और कोई करीबी दुश्मन है, महाराज से वक्त मांग रहा था, काश वक्त मिल गया होता तो मैं उस कातिल को खोज निकालता। क्या कहा साहब, अगर महाराज आपको वक्त दे देते तो आप उस कातिल को खोज निकालते? हाँ, मैं उस कातिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाता। ठीक साहब, अगर ऐसी बात है तो इसमें मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे वचन दें कि जब आप जेल से रिहा होंगे तो उस कातिल को आप खोज निकालेंगे जिसने आपको इस जुर्म में फंसाया। साहब, अगर तुम इस जेल से बाहर कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उस कातिल को खोज कर महाराज के समक्ष पेश करके मैं अपने आप को निर्दोष बन जाऊंगा। और वादा करता हूं तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें ये पद पर कायम करवा दूंगा। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको इस जेल से रिहा करता हूं, लेकिन साहब अगर मैं यहां रहूंगा तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ यहां से निकल चलना चाहता हूं। साहब, तुम इतना बड़ा साथ दे सकते हो तो मैं वादा करता हूं कि जिस जगह पे तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां धर्मवीर सिंह अपना खून बहा देगा। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको अभी रिहा करता हूं। सर, ये लीजिए बंदूक और ये कारतूस मैं आपको दे रहा हूं और इसमें जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। साहब, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। साहब, मैं जा रहा हूं और एक दिन जरूर मुलाकात हो। नहीं साहब, आपके साथ मैं भी चलना चाहता हूं। साहब, अगर मैं यहां रहूंगा तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। तो फिर मेरे साथ आओ, नहीं तत्काल हम दोनों पकड़े जाएंगे। चलिए साहब, यहां चलते हैं। ओए, पूरा जेल खाली हो गया, ना तो कैदी ना सिपाही, पूरा जेल खाली। साहब, साहब, क्या हुआ? बड़ी खुशी की बात। क्या? बड़ी खुशी की बात है। मैं क्या खुशी की बात है? सेनापति व पूरे कर्मचारी जेल से। अल्लाह कहता है खुशी की बात है। क्या धर्मवीर सिंह जेल से फरार हो गया? धर्मवीर नहीं, उनके साथ जितने सिपाही वगैरह सब भाग गए। खुशियां मनाओ। तनख्वाह न दिए परी, सब भाग गए। सिपाही जेल से भाग कर अच्छा नहीं किया उसे। अरे वो जेल से भाग गया है। साले अगर वो बच गया तो मेरे लिए काल बन जाएगा। पक्का है। इसे चलो, उन दोनों का पीछा करो और जहां कहीं मिल जाते हैं फौरन उन हराम चादों को शूट कर देते हैं। ना रहेगा बस और ना बजेगी बांसुरी।
आ मेरी शान। खूब उधम जोते हो, अब तुम्हारा नंबर लगा है, तुम्हारे रिश्तेदार सब छूट गए, तुराए गए, पाए गए, तुमका बकरी ढस चबई है। और जाले कै मजा जाले मा, जाले कै मजा जाले मा, पहली नींद बुढ़ा तान के ताना, पहली नींद बुढ़ा उतर गए। लेकिन महाराज संतेज सिंह ने मेरी खबर नहीं लिया। क्यों नहीं गुरुदेव? लगता है कि जिस बच्चे को मैंने जीवन दान दिया था अभी तक वो ऐसे ही है। जी गुरुदेव। लेकिन हम ऐसे नहीं रुक सकते हैं, या एक बार महाराज के महल तक पहुंचेंगे और देखते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। क्यों नहीं? हाँ, हमारे साथ हम सम्राट शमशेर सिंह के महल तक चल रहे हैं। चलिए गुरुदेव, चलिए गुरुदेव। मैं रामगढ़ बस्ती आ चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे नागराज का कोई पता नहीं। और थोड़ा आगे चल के देखती हूँ कि मेरे नागराज है कहाँ। चल कर देखती हूँ। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक शक्ति है। क्यों नहीं गुरुदेव? क्योंकि ये आवाज मेरे दिल को छू रही है।
हम पता लगाएंगे कि आवाज आज से कहां आ कहां से रही है। आओ हमारे साथ। चलिए गुरुदेव। इस आवाज में कोई राज है। आओ। क्यों नहीं गुरुदेव, चलिए। क्या गाना गा रही हो? गाना गाना मेरा पेशा ही है। ये तुम्हारा पेशा है? हाँ, क्यों नहीं। तो भटक रही तू इस कदर करे के किसको याद, और मैंने तो पहचान लिया नागिन की तू तुम्हारा पैसा है? ऐ मुझसे झूठ बोल रही है? तो आपने जान लिया कि मैं एक इच्छाधारी हूँ? हाँ, मैंने अच्छी तरह से जान लिया है तू है कौन। और भैरवनाथ, मैं भी तुम्हें जानती हूँ, और मैंने तेरा क्या लिया। सुनो भैरवनाथ, क्यों जुदा मुझसे किया मेरा कालिया। क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे नागेश को इतनी बेरहमी से मार डाला? मैंने तेरे नागेश को मारा है, और अब तेरी बारी है। तुम मुझे मारोगे? मुझे मारूंगा। मुझे मारोगे? नागेश ने जो किया है उसके किए की सजा उससे मिली है, लेकिन अगर मैं तेरे को जिंदा छोड़ता हूँ तो तू दुनिया के लिए काल बन जाएगी। नहीं, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन। हाल जैसे हुआ था तेरे नाग का, हाल वैसा तेरा अब बनाऊंगा मैं। मेरे फंदे से बचकर ना जा पाएगी, एक ऐसा अनोखा दिखा। शोध में जल रही है। हाँ, इसीलिए अपना वेश बदल करके अपने रंग रूप को तू दिखला रही है, लेकिन अब तू मेरे हाथ लग गई है, अब तू मेरे हाथों बच नहीं सकती। भैरवनाथ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। एक सपेरा हो तुम, एक नागन हूँ मैं, तेरे फंदे में मैं आने वाली नहीं। जा दिखा ढोंग अपना किसी और को, तेरे फंदे में मैं आने वाली नहीं।
आओगी। नहीं नहीं आओगी। मैं चली अपने नागेश को ढूंढने के लिए। त्रिकाल रे नाग। जाओ नागिन जाओ। हाँ जाऊंगी। जाओ हालात में हो इस समय। क्या कह रही थी कि मैं तेरे फंदे में नहीं आने वाली बोल। मुझे आज मैं चाहूं तो तेरी गर्दन काट सकता हूं है? लेकिन नहीं, मैं तेरे को यहां कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं तेरे को घसीट करके काली पहाड़ी की तरफ ले चलूंगा और वहीं पे चल करके तेरी हस्ती को मिटाऊंगा सारी। ऐसा मत कीजिए भैरवनाथ, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा तो ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान तू ले सकती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुझे मरना होगा। चल। बाबा होकर एक नारी के संग में इतनी बड़ी हरकत। तू मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं जो भी कर रहा हूं वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं, इसलिए तू मेरे रास्ते में मत आ। मुझे इस लड़की को ले जाने दे। बाबा, जब तक मैं मौजूद हूं तब तक आप इस लड़की को नहीं ले जाकर जा सकते। बड़े तू मासूम बालक है। मैं चाहूं तो मैं तुम सबको मार सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं।
अगर तू जिद करता है तो ले, मैं इसे छोड़ देता हूं। तूने मेरे को रक्षक कहा है, इसलिए रक्षक कहने की वजह से आज मैं तेरे लिए इस लड़की को छोड़ के देता हूं। लेकिन बहुत पछताओगे बेटे, बहुत पछताओगे। बाबा जी, ओ रे ये घोरी छोड़ दे जरा नाई की रक्षा करता है, फिर आज तेरे दिल के अंदर क्या भावना जाग गई जो कि आप इस लड़की को परेशान कर रहे हैं? यही तो मैंने पहले ही बोल दिया बेटे कि तूने मेरे को रक्षक कह दिया है, इसलिए मैं तेरी जान को बख्श देता हूं, अन्यथा इसके छोड़ने के पहले मैं किसी की भी जान ले सकता हूं। जा, मैं इसे छोड़ तो देता हूं लेकिन बाद में बहुत पछताएगा। और तुम ये मानव जाति अंधा है, तेरे को नहीं जानता कि तू कौन है। मैं ये भेद खोलना नहीं चाहता, जा साली। लेकिन अगर तूने किसी को चोट पहुंचाया तो मैं तेरे को काट करके खा जाऊंगा। त्रिकालनाथ, चलो हमारे साथ। छोड़ दिया बेटे, ले जा, छोड़ दिया। लेकिन फिर कह करके जा रहा हूं कि तू बहुत पछताएगा। बाबा जी, जब वो दिन आएगा तो देखा जाएगा। रोओगे, चिल्लाओगे, हाथ मल मल के रह जाओगे, फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जय गुरु गोरखनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ। क्या हुआ, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्या बात है? देवी जी, इस जगह को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं यहां पर कभी आया हुआ हूं, जैसी ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। और आप? मैं भी इसी राह में भटक रही हूं। देवी जी, हाँ,
लग रहा आज ऐसा मुझे इस जगह माना कोई आपको देख कर दिल मेरा कह रहा जैसे रिश्ता है तुमसे पुराना कोई आपको देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो, जन्मों जन्मों से हमारा तुम्हारा रिश्ता हो। एक बात बोले बोलिए जरिया, जरा अपनी आंख मेरी तरफ कीजिए। हाँ ये तो वही है जिसे मुझे बरसों से तलाश थी। यही है मेरे नाथ, यही है मेरे प्राण नाथ। हाँ सुनिएगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है जैसे रिश्ता पुजारन का प्रभु से रहे, वैसे ही रिश्ता मेरा प्रभु आप से। सेवा करने को दिल है मेरा चाहता, बहु बन कर तुम्हारे महल में चलूं। हाँ क्या मुझे अपने घर नहीं लेकर चलोगे? क्या हुआ सोच क्यों? हाँ सोच में क्यों पड़ गए जी? लेकिन ये भी हो सकता है कहाँ मैं और कहाँ आप। मेरे कपड़े तो देखो फटे पुराने हैं, सीधी तरह मेरे बदन पर कपड़े नहीं हैं, और मैं गली गली की भिखारन। आसमान के सिवा मेरे सर पर कोई छत नहीं है। कभी एक टुकड़ा रोटी मिल जाता है, कभी भूखे ही सो जाते हैं। तो कहाँ आप अपनाएंगे मुझे? सच कहती हूँ ना। इसका मतलब कि आप अनाथ हैं? कोई नहीं है मेरा। आपके घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ मैं। आसमान के सिवाय छत का साया आपके सर पे नहीं है? कोई नहीं है बाबूजी, कुछ भी नहीं। देवी जी, जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका ये विजय कुमार होता है। जिसे कोई सहारा नहीं देता है उसे सहारा ये विजय कुमार देता है। जिसे कोई कुछ नहीं देता है उसको सब कुछ ये विजय कुमार देता है। आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए, हम तुम्हें अपने महल लेकर चलेंगे, और अपने पिताजी से कहकर हम तुम्हारे संग में अपनी शादी रचाएंगे। प्राणनाथ, मैं तो यही चाहती थी कि हमारा और तुम्हारा मिलन हो। लेकिन लेकिन बाबूजी, क्या क्या ये रिश्ता आपके घर वाले स्वीकार करेंगे? मुझ अनाथ को क्या अपनाएंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बतलाइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, बड़ा प्यारा नाम है।
अरे बाबूजी, प्यारा नाम से पेट थोड़ी ना भर जाता है। रजनी, हाँ, हम तुम्हें अपने महल लेकर चलेंगे। क्या? और पिताजी से हम शादी की बातें करेंगे। अगर हमारे पिताजी हम दोनों की शादी के लिए राजी होते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे। सच में? जी। झूठ तो नहीं बोलते? जी। चले फिर। आओ। या भगवान, ये भी क्या करने जा रही थी? कस, ये इंसान है, मैं एक नागन हूं, अभी तो सब कुछ खत्म हो जाता, मैं इनको अपने ऊंट के करीब नहीं आने दूंगी। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं देख रही थी कि मेरे नाखून बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए मैं छुपा रही हूँ। अपने नाखूनों को छुपा रही? हाँ, बहुत बड़े हैं ना, कहीं गलती से आपको लग गए तो, इसीलिए छुपा रही हूँ कि आपको गलती से ना लगे। चले फिर। जी हाँ। ये जी बोलो। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, पंख लगा